बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत कुछ करने के इरादे लेकर के हम चल रहे हैं। हमने नए चैलेंजेस तय करने की, उन्हें पूरा करने की एक जीत ठान रखी है। देश की इन्हीं भावनाओं पर मैंने कुछ दिन पहले एक कविता लिखी थी। उसकी दो पंक्ति सुना रहा हूं आज। अभी तो समय नहीं है, ज्यादा नहीं कहूंगा। वो जो मुश्किलों का अंबार है, वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। साथियों, भारत आज चुनौतियों को टाल नहीं रहा, हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। भारत आज थोड़े बहुत इंक्रीमेंटल चेंज पर नहीं, समस्याओं के पूर्ण समाधान पर जोर दे रहा है। असंभव सी लगने वाली तमाम बातों को भारत आज संभव करके दिखा रहा है। साथियों, अब भारत ने 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए कमर कसी है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हम पीपल फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए, करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने वाले हैं। साथियों, बीते 5 वर्षों में दुनिया में तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद भी भारत की ग्रोथ रेट एवरेज 7.5% रही है। और ये भी ध्यान रखिए, पहले की किसी सरकार के पूरे कार्यकाल का एवरेज देखें तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। पहली बार एक साथ लो इन्फ्लेशन, लो फिस्कल डेफिसिट और हाई ग्रोथ का दौर आया है। आज भारत दुनिया के बेहतरीन एफडीआई डेस्टिनेशन में से एक है। साल 2014 से 2019 तक एफडीआई इनफ्लो में करीब करीब 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। अभी हाल में ही हमने सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई के नॉर्म्स को आसान बनाया है। कोल माइनिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में विदेशी इन्वेस्टमेंट अब 100% तक हो सकता है। मैं कल एनर्जी सेक्टर के सीईओ से यहां ह्यूस्टन में मिला। भारत ने कॉरपोरेट टैक्स में भारी कमी का जो निर्णय लिया है, उससे वो सारे के सारे लोग बहुत ही उत्साहित नजर आए। उनका फीडबैक है कि कॉरपोरेट टैक्स कम करने के फैसले से सिर्फ भारत में ही नहीं,
बल्कि ग्लोबल बिजनेस लीडर्स में बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है। ये फैसला भारत को और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाएगा। साथियों, भारतीयों के लिए अमेरिका में और अमेरिकियों में के लिए भारत में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए न्यू इंडिया का सफर और प्रेसिडेंट ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ इन संभावनाओं को नए पंख लगा देंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने संबोधन में जिन इकोनॉमिक मिरेकल्स की बात कही वो सोने में सुहागा हो गए। आने वाले 2-3 दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मेरी बातचीत होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि उससे भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेगा। वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप मुझे टफ नेगोशिएटर कहते हैं, लेकिन वो खुद भी द आर्ट ऑफ द डील में माहिर है और मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूं। साथियों, एक बेहतर भविष्य के लिए हमारा ये फॉरवर्ड मार्च अब और तेज गति से बढ़ने वाला है। आप सभी साथी इसका अहम हिस्सा है, ड्राइविंग फोर्स है। आप अपने वतन से दूर है लेकिन वतन की सरकार आपसे दूर नहीं है। बीते 5 वर्षों में हमने इंडियन डायस्पोरा से संवाद के मायने को और संवाद के तरीके दोनों बदल दिए हैं। अब विदेशों में भारत के दूतावास और काउंसलेट सिर्फ सरकारी कार्यालय नहीं बल्कि आपके पहले साथी की भूमिका में है। विदेश में काम करने वाले साथियों के